साले थाने में गो तो जानते मार देंगे। थाने में जाकर शिकायत कर तभी बचेगो। साहब, दरोगा साहब, साहब अंदर आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। बैठो। अरे नीचे नहीं बैठो, ऊपर बैठो, इधर आके बैठो। आप लोग जा शांति से बैठिए। अरे प्रदीप पानी लेकर आओ। देखिए अभी काम कर रहे हैं, जाओ बाहर बैठो। मैं नहीं करी, बाहर बैठो। पहले पानी पिलाओ। अब बताओ क्या हुआ। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, जो घटना घटी है उसे बिना भय के बताओ। दरोगा साहब, हम अपने गांव में पानी भरने जा रहे थे, बतासा राम निवास कल्ला ये दो लोग आ गए। हमारी पुरानी थोड़ी रंजे थाती कछु नहीं, हमने बिनते कही हम कछु बोले ना ने, और वे तो मारन लगे, और जी बचा दे आई तो जब गो मारो। तुम्हारा नाम का है? साहब हमारा नाम रामदीन है, और जा हमारी घरवाली को नाम शकुंतला। कौन से गांव से आए और कैसे आए? साहब पुरानी छावनी गांव से आए, वहां से बस से आए, जे उतर गए वहां से पैदल पैदल आए। तुम्हारी जाति का है? दंसकार हैं हम साहब। तुम्हारे पास कोई कागज है? जी राव, हमारे जाति प्रमाण पत्र। जब घटना भाई जब कुछ हतो वहां पे बांके और सुग्रीव। बताओ कि बांके और सुग्रीव को कैसे पहचानते हो? साहब गांव के ही है। राम निवास और कल्ला में का संबंध है? साहब भैया ही भैया है, राम निवास बड़ो कल्ला छोटो। जब मारपीट भाई तब तुम्हारी बीवी कहाँ थी? हमारे संग नहीं हती। जब वे लोग लठियन से मारने लगे तो साहब जोगे मारो देखो। अरे चुप हो जा। अरे चलो मत, डांटू मत, डांटू मत। रामदीन तुम ये बताओ, रिपोर्ट करने में तुमने इतनी देर काय कर ली, क्यों आए इतनी देर से? जी साहब हमारे गांव के आसपास ही लगे थे, और कह रहे थे थाने गए रिपोर्ट लिखवा ले तो तुम्हें जान से मार देंगे, और गांव में डॉक्टर थे पट्टी वट्टी करवावे लगे तई देर हो गई। जान से मारने की धमकी थी कोई और हतों का? नहीं साहब, बांके और सुग्रीव और तो ध्यान ना ने। रामदीन तुम थोड़ा बैठो, हम साहब को बता के आते हैं। बुला लो, बुला लो। चलो तुम्हें साहब बुला रहे हैं। ये रामदीन और शकुंतला पानी छावनी से आए हैं, इनके संग मारपीट हो गई है। बैठो। क्या बात हो गई? साहब गांव में पानी भर में गए थे कुआ पे।
जाति के ऊपर गाली गई, बर्रा बर्रा बोलन लगो, साले ऐसे कर देंगो, वैसो कर देंगो, रिपोर्ट लिखवावे जाएगो तो जान से मार देंगो। त्रिपाठी जी, इनकी FIR लिख लो, फिर बता। चलिए। सुनो, ये आवेदन ले आओ, बाहर से लिखवा के ले आओ, हम लिख रहे नहीं बैठे। क्या नाम है आपका? राम जी। कितनी उम्र है? 42। ये आपकी FIR हो गई, चलिए साहब। अच्छा, तुम्हारी रिपोर्ट लिख गई? हाँ साहब। हम पढ़ के सुना देते जो लिखा है। हम तो कुआ पे पानी लेवे गए थे, वहां से आ रहे थे, तभी राम निवास और कल्ला। ये आई तो जाए भी मारो, ऐसी ही रिपोर्ट लिखाई थी? हाँ साहब, बिल्कुल ऐसी ही बात है। ठीक है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और ये तुम्हारा केस कायम हो गया है। पुलिस का तुम्हें पूरा संरक्षण रहेगा। अभी आप हमारे नंबर लेकर जाना, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, गांव से हमें फोन पर बताना। 100 नंबर भी डायल कर सकते हो, हमें भी फोन कर सकते हो। शुक्ला जी, इन्हें आज का खर्चा किराया दे दो, इनका राहत प्रकरण भी बना देना। साहब, एक बात पूछूं? आप असली में पुलिस वाले हो? बिल्कुल असली। डंडा वाले? बिल्कुल असली पुलिस वाले। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, तो हमारा काम हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तुमको आने जाने का किराया मिलेगा और दोनों को एक ही दिन की मजदूरी मिलेगी। 200 रुपया एक आदमी की मजदूरी मिलती है। और कहाँ से आए थे? पानी छावनी से। कितना लगा था किराया टेम्पू में से? 20 रुपया। तो 220 में आने के भी जाने को गए, 200 रुपये मजदूरी को गए, 240 रुपया हो गए। ये 500 रुपया दोनों के हैं, तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी के। ठीक है, ये शासन की ओर से जो है ये व्यवस्था है, SC ST वालों के लिए ऐसा होता है। और जहाँ पे जो है अपने जो सरकार यहाँ पे तुम भी आगे सर ठीक है। और कोई दिक्कत यदि हो, साहब का नंबर दे दिया, हमारे नंबर लेके जाना, फोन लगाना, तो मैं किसी से भय खा नहीं जा सकता। अब तो पुलिस वाले अच्छे हो गए, अब तो कोई डर नहीं, अब तो अपनो काम हो ही गाओ जी। मान लो अब पहले जैसी बात नहीं रही। चलो, हाँ, इस शॉर्ट फिल्म से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि पुलिस का आम जनता के साथ, फरियादी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जब वो फरियादी आता है तो उसको सहज करने के लिए वो अपनी बात, अपनी शिकायत सहजता से और साफ ढंग से रख सके, उसको कंफर्टेबल बनाना जरूरी है। काफ़ी दूर से आता है, उसको पानी पिलाना, उसको आराम से बैठाना, उसको अच्छे ढंग से बात करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है। हमारे पुलिस कर्मचारियों को जो शुरुआत में उनसे मिलते हैं, इस ढंग का उनसे व्यवहार करना चाहिए, ये हम अपेक्षा करते हैं। ये पूरा शासन यही अपना पुलिस विभाग अपेक्षा करता है। उसके बाद में उनकी बात गंभीरता से सुनने के बाद जो कानूनी कार्रवाई है
उसके बाद उनको पूरी जानकारी दी जानी चाहिए कि उनको क्या क्या कानूनी सुविधाएं प्राप्त हैं, जैसे उनको राहत राशि दी जानी है तो उसके लिए क्या क्या कागजात की आवश्यकता है, क्या क्या उनको राहत राशि मिलेगी, उसके अलावा उनको क्या मजदूरी भत्ता मिलेगा, यात्रा भत्ता मिलेगा, इसके बारे में भी डिटेल बताएं। और पुलिस उनको क्या साक्षी संरक्षण और क्या फरियादी संरक्षण की जो नई योजनाएं हैं उनके तहत उनको क्या सुरक्षा और संरक्षण दिया जाएगा, क्या न्यायालय में कार्रवाई होगी, ये सब भी उनको बताया जाना जरूरी है। पुलिस विभाग में काफ़ी योजनाएँ इस ढंग की चलाई जा रही हैं जिससे कमज़ोर वर्ग को सशक्तिकरण किया जा सके, उनको जागरूक बनाया जा सके। उनके लिए कई बार जो हम लोग जो है शिविर ऐसे क्षेत्रों में जाके लगाते हैं जहाँ की कमज़ोर वर्गों का बाहुल्य है, SC ST वर्ग का बाहुल्य है, और ऐसी जगहों पे हम जाके बताते हैं कि इतनी सारी योजनाएं उनके लिए हैं और थाने में उनकी सुनवाई होगी, इस बात का उनको आश्वासन दिया जाता है। इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से शिविर में जो हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि आप कभी भी यदि थाने में आएंगे तो आपके साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाएगा, आप लोगों के गुमराह में ना आए, लोगों के कहने में नहीं आए, कई लोग आपको डराते हैं, गुमराह करते हैं, ऐसा नहीं है, पुलिस आपकी मदद के लिए है। अपराधियों के लिए सख्त है लेकिन फरियादियों के लिए, उनकी मदद के लिए ही थाने खुले हुए हैं। किसी के साथ हो कोई भी अपराध, नहीं है डरने की कोई बात, मध्य प्रदेश पुलिस पर रखें विश्वास, पुलिस है हर मुसीबत में आपके साथ है।